शहरातील अग्रवाल नगर येथे मे महिन्यात होणाऱ्या हनुमान कथेच्या निमित्ताने ध्वजाचे पूजन राजस्थान येथील त्रिवेणी धामचे स्वामी राम रिचपालदास महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे। या प्रसंगी खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे, राजेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर जगदीश गिंदोडिया, बालाजी अग्रवाल, पवन बंसल, गजेंद्र अंपळकर यांच्यासह मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। प्रतिनिधी पवन मराठे, माझा महाराष्ट्र न्यूज, धुळे। और हमारे एक मित्रों ने मिलकर जो एक अच्छा कार्य किया है उसका आशीर्वाद आप सभी को मिले। और ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे यहाँ बुलाया, बालाजी अग्रवाल साहब का मैं विशेष आभारी हूँ। हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय संजय जी शर्मा, इनका भी मैं ऋणी हूँ और आप सभी को शुभकामना देता हूँ कि आने वाले दिनों में हनुमान कथा आप अच्छी तरह से आपको सुनने को मिले। बालाजी सर, भाई 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 बालाजी इधर साइड। मी सगळ्या भक्त धनुर्वन शानु ज्ञानी नाम ग्रहण सकल गुरु दहनम वानराणाम धीशम यक्षप्रियम बात जातम नमामि अंजनी नंदनम धीरम जानकी शोकनाशनम अभिष्मक्षुतारो देवं कावहं करम। आज श्री हनुमत कथा के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण की शुभ मंगल वेला में पधारे हुए विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, सुभाष जी भामरे और सभी महानुभाव और कथा कराने वाले राजेंद्र जी अग्रवाल, इनका परिवार, बालाजी परिवार एवं समस्त भक्तगण, आप सभी को मैं इस महामहोत्सव की शुभ बधाई देता हूँ, शुभ मंगल कामना करता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज इसी जज्वा के उम्र बैठ करके यहाँ आप सबकी रखी। दस हाथ पीछे उसका रथ चला जाता था कर्ण, और उधर से फिर कर्ण अर्जुन को बाण मारता था तो 10 अंगुल पीछे रथ आता था अर्जुन। तो भगवान ने जब 10 अंगुल पीछे 10 हाथ पीछे अर्जुन के बाण मारने पर जाते तो कुछ नहीं बोलते, और जब 10 अंगुल पीछे अर्जुन का रथ जाता तो भगवान उसको धन्यवाद देते, कह रहा तेरी जननी को धन्यवाद है जो ऐसे वीर को पैदा किया। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं बाण मारता हूँ 10 हाथ पीछे जाता है तो आप कुछ भी नहीं बोलते मेरे लिए, और वो 10 अंगुल पीछे आने पर आप उसको धन्यवाद दे रहे हो। तो भगवान ने कहा अर्जुन, अरे तू देख मैं जो सारी त्रिलोकी का नाथ हूँ वो इस रथ के ऊपर बैठा हूँ, और हनुमान जी इस रथ की रक्षा कर रहे हैं, फिर भी वो 10 अंगुल पीछे कर देता है, वो कम भी थोड़ा ही है। तो कहा कि ऐसा है? हाँ, बोला ऐसा ही।